Good evening, respected sir, and all of you, my dear best friends. So, आज का टॉपिक जो है कि लाइफ में, हमारे लाइफ में पैसा इम्पोर्टेंस रखता है या सक्सेस, तो उसके बारे में मैं अपना मतलब अपने व्यूज रखना चाहता हूँ. तो मेरे हिसाब से सर, देखा जाए तो एक तरीके से कि आप जिसको जैसा देंगे, ठीक है, जैसे आप किसी से गाली देके बात करते हैं तो आपको गाली मिलेगी, आप किसी से द्वेष करते हैं तो आपको द्वेष मिलेगा, आप किसी से प्यार करते हैं तो प्यार मिलेगा. तो वैसे ही पैसा है, पैसा आप किसी को देंगे तो पैसा मिलेगा, ठीक है. लेकिन लाइफ में पैसा, मैंने ये नहीं कहता कि जरूरी नहीं है, जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है जितना गाड़ी में पेट्रोल. ये नहीं है कि गाड़ी आप पेट्रोल भर दीजिए फिर उसके बाद दौड़ाते रहिए, वहां से पेट्रोल लिया, फिर दौड़ाते रहिए वहां से पेट्रोल लिया, फिर दौड़ाते रहिए वहां से पेट्रोल लिया, तो पता लगा कि जरा सा अभी चिंगारी लग गया तो फिर आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, बीच में ब्लास्ट हो जाएंगे. तो मेरा मानना यह है कि पैसा तो हाथ की मैल है, पैसा तो रिक्शा वाला भी कमाता है कि वेश्या भी कमाती है. तो पैसे के पीछे क्या भागना, सक्सेस के पीछे भागिए ना. आप सक्सेस के पीछे आप भागेंगे तो पैसा झक मार के आपके पीछे आएगा खुद खुद. पैसा तो उड़ रहा है सर, पैसा उड़ रहा है, पकड़ने वालों की बस ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी है. पैसा तो चारों तरफ उड़ रहा है, मतलब पेट्रोल वो चारों तरफ आपके पास है, लेकिन आपके पास जरा जरा से भी अगर अभिमान नाम की अगर चिंगारी उसमें लग गई ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा. मैं मतलब कि एक वो मतलब उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक जमींदार था, ठीक है. तो एक जमींदार था तो मतलब कि वो बहुत घमंड करता था अपने ऊपर, पैसे के ऊपर. तो गांव में जब भी किसी की मतलब शादी होती थी या कोई भी मतलब की फंक्शन होता था या भी कुछ भी होता था तो उनके यहाँ निमंत्रण जाता था, तो वो अपना जूता जो है थाली में रख के और जो पैसा हीरे मोती या कुछ भी रख के उसको मतलब की भेज देते. तो एक दिन उनके पास, उनके घर भी शादी पड़ी. जब उनके घर शादी पड़ी तो उन्होंने सबके घर निमंत्रण भेजा, तो उन्होंने सोचा कि मैं तो जमींदार हूँ, मेरे यहाँ तो सभी लोग दौड़े दौड़े आएंगे. तो हुआ क्या सर कि जब उनकी मतलब कि सब फंक्शन की तैयारी हो गई, बारात रात आ गई बाहर से, तो गांव वालों में से कोई भी नहीं आया, सबका जूता आया और उसमें पैसे आए, ठीक है. तो सर यही मतलब मेरा कहना कि जैसा आप देंगे आप वैसा लेंगे. और सक्सेस जो है वो सक्सेस अचीव करने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, तब सक्सेस मिलती है. और सक्सेस का एक छोटा सा पार्ट है वो पैसा, छोटा सा पार्ट. आप किसी भिखारी को कह सकते हैं वो सक्सेस है? नहीं कह सकते. सक्सेस आदमी वो होता है जिसके पास पैसा होता है. दो लोग हैं, जैसे दो लोग हैं अमीर, दो अमीर लोग हैं, एक के पास पैसा है, एक के पास पैसा है, ठीक है, एक के पास पैसा है, वो किसी को कुछ देने का मतलब उसका जिगर नहीं है, दे नहीं सकता, न हंस सकता है, न उसके पास कोई है. और एक आदमी है, उसके पास थोड़ा सा कम पैसा है, लेकिन उसके पास लोग हैं, माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, प्यार है, बांटने के लिए पैसा है, हर कुछ है. तो कौन सक्सेस है, कौन खुश है? वो पैसे लेके चाटेगा क्या? तो हमारे नजर में तो वही सक्सेस है, वही खुशी बंदा है, वही लाइफ में सिक्योर और सफल वही है. कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो हमारे जो एनवायरमेंट में जितने भी लोग हैं उनके सपोर्ट से ही हम लोग चलते हैं.